दिल्ली के जंतर मंतर पर भड़काऊ नारेबाजी मामले में बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय समेत चार आरोपियों को दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। दो आरोपी विनीत और दीपक सिंह को एक दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। 8 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर अश्विनी उपाध्याय ने कार्यक्रम का आयोजन किया था। हालांकि अश्विनी का कहना है कि उनका नारेबाजी से कोई लेना देना नहीं। इस मामले में नारेबाजी करता दिख रहा युवक पिंकी चौधरी है। पिंकी खुद को हिंदू संगठन से जुड़े होने का दावा कर रहा है। राज्यसभा में आज पेश किया जा सकता है ओबीसी बिल। ये बिल मंगलवार को लोकसभा से पास हो चुका है। इस बिल को मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकारें अपने राज्य के लिए खुद बना सकेंगी ओबीसी की लिस्ट। राज्यसभा में मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसद सदन में किसानों और पेगासस मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लगातार नारेबाजी करते रहे। राज्यसभा की कार्रवाई जैसे ही स्थगित हुई उसके बाद तो विपक्षी सांसदों का यह हंगामा और ज्यादा बढ़ गया। कुछ विपक्षी सांसद तो कुर्सी और मेज के ऊपर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे और एक विपक्षी सांसद ने तो रूल बुक उठाकर सभापति के आसन की तरफ फेंक दी। यूपी समेत देश के 5 राज्यों में होने वाले चुनावों से पहले अचानक ओबीसी को लेकर राजनीति तेज हो गई है। इसी के तहत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज केंद्र के ओबीसी मंत्रियों का स्वागत सम्मान करेंगे। कार्यक्रम दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में शाम 5 बजे होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय उद्योग परिसंघ यानी सीजेआई की वार्षिक बैठक को संबोधित करने वाले हैं। इस बैठक का विषय इंडिया एट 75 गवर्नमेंट एंड बिजनेस वर्किंग टुगेदर फॉर आत्मनिर्भर भारत है। इस बैठक को विशेष अंतर्राष्ट्रीय अतिथि वक्ता के तौर पर सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री भी संबोधित करेंगे। 5 चुनावी राज्यों में लोगों की फीडबैक लेने के लिए नमो ऐप पर एक सर्वे शुरू किया गया है। 5 चुनावी राज्यों में जनता की भावना को मापने के लिए नमो ऐप पर यह कदम उठाया गया है। लोग बड़ी संख्या में पूछे गए मुद्दों पर सीधे प्रधानमंत्री को अपनी प्रतिक्रिया दे सकेंगे। हॉकी इंडिया के पंजाब से आने वाले 12 खिलाड़ी आज अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में माथा टेकेंगे। जालंधर कैंट के मिठापुर में खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत भी किया जाएगा। जालंधर में खिलाड़ियों के लिए डिनर भी रखा गया है। पूर्व ओलंपियन परगट सिंह को लेकर मौजूदा हॉकी कैप्टन मनप्रीत सिंह तक मिठापुर ने कई नामी खिलाड़ी दिए। चलिए तो बड़ी खबरों के बाद आप देख लेते हैं ऐसी खबरें जिनका सरोकार पूरे देश से है। कोरोना से राहत की खबर है तो ऑक्सीजन मुद्दे पर सियासत की भी खबर है। देश में कोरोना के नए मामलों में कमी आई। पिछले 24 घंटे में 28,404 संक्रमित लोग मिले। आधे से ज्यादा केस अकेले केरल में है। 9 राज्यों में 37 ऐसे जिले हैं जहां कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं 44 जिले ऐसे हैं जहां केस पॉजिटिविटी 10% से ज्यादा है। इसके अलावा 4 राज्य ऐसे हैं जहां रिप्रोडक्शन नंबर भी बढ़ रहे हैं। ऑक्सीजन से एक भी मौत न होने की सरकार के दावे पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि उन्होंने राज्य सरकारों से इस बारे में जानकारी मांगी थी, जिसमें से सिर्फ एक राज्य ने अपने यहां ऑक्सीजन की कमी से संदिग्ध मौत की जानकारी दी है। हालांकि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि उनसे इस तरह की कोई जानकारी नहीं मांगी गई है। अब वो भी इसकी पूरी जानकारी केंद्र सरकार को देंगे। जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार के इस हलफनामे को नाकाफी माना है, जिसमें कहा गया है कि राज्य में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। हाईकोर्ट ने कहा कि यह विश्वास करने योग्य नहीं है कि प्रदेश में एक भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। हाईकोर्ट ने अलग से निष्पक्ष जांच की बात कही, ये तय करे कि ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई या नहीं। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में वैक्सीन के लिए अभी भी मारामारी देखी जा रही है। लोगों की मजबूरियां ऐसी हो गई हैं कि लोग 20 घंटे पहले ही सड़कों पर लाइन लगाकर खड़े हो गए हैं। गुरुग्राम के पटौदी रोड पर सरस्वती एनक्लेव के सामने 50 से ज्यादा लोग बुधवार को होने वाले वैक्सीनेशन के लिए मंगलवार दोपहर 4 बजे से ही लाइन लगाकर सड़क पर अपने बिस्तर लगाकर बैठ गए। दिल्ली में आज से घर बैठे मिलेगी परिवहन विभाग से जुड़ी तमाम सुविधाएं। इनमें लर्निंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जैसी 30 से ज्यादा सुविधाएं शामिल हैं। हालांकि स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए स्किल टेस्ट और वाहन फिटनेस से संबंधित सेवाओं के लिए आरटीओ दफ्तर जाना जरूरी होगा। देश के सबसे बड़े प्रदेश यूपी से जुड़ी कुछ अहम खबरें जान लेते हैं। यूपी में बाढ़ बारिश से हालात खराब, जानिए।
संगम नगरी प्रयागराज में गंगा यमुना और टूंस नदियां जबरदस्त तूफान पर है और लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इन नदियों में आई बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचा रखी है। 1 लाख से ज्यादा की आबादी बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित है। हजारों मकानों की नीचे की मंजिल बाढ़ के पानी में डूबी हुई है। लोग नाव के सहारे सुरक्षित जगहों पर लगातार जा रहे हैं। वाराणसी शहर के कई रिहायशी इलाकों में गंगा का पानी घुस गया है। सबसे ज्यादा मारुति नगर इलाका है जहां मकान की एक मंजिला तक पानी बढ़ गया है। रेस्क्यू के लिए कॉलोनी की सड़कों पर चल रही है एनडीआरएफ की बोट्स। यूपी के मिर्जापुर में गंगा का रौद्र रूप सामने आया। जलस्तर खतरे के निशान के पार पहुंच गया है। सदर और चुनार तहसील के करीब 100 गांव जलमग्न हुए। हर घंटे 2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है गंगा का पानी। लोग गांव छोड़कर सुरक्षित स्थानों का रुख कर रहे हैं। यूपी के फतेहपुर जिले में यमुना नदी में आई बाढ़ से बाढ़ का पानी बांदा कानपुर मार्ग पर बने चिल्ला पुल पर भी भर गया है। यमुना नदी में आई बाढ़ से यमुना का पानी 4 किलोमीटर अंदर ललौली कस्बे में घुस गया, जिसमें आधे दर्जन मकान डूब गए हैं और सड़कों पर अब नाव चल रही है। यूपी के सहारनपुर में बरसाती नदियों में बाढ़ आने से दर्जनों गांव के लोग परेशान। जान जोखिम में डालकर नदी का तेज बहाव पार करने को मजबूर लोग। बरसाती नदी में अचानक तेज पानी आने से ख्वासपुर और जैतपुर में बाइक सवार फंसे। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाइक सवारों को बचाया। मौसम विभाग ने यूपी के कुछ इलाकों में आज से भारी बारिश का अनुमान जताया है। अनुमान है कि अगले 3 दिनों के दौरान यूपी के वाराणसी, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, संत रविदास नगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और आसपास के क्षेत्र में भारी बारिश होने के आसार जताए गए। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। साल 2000 में लखनऊ के जेलर और डिप्टी जेलर पर हमले के मामले में आज मुख्तार पर आरोप तय होंगे। एमपी एमएलए कोर्ट में वर्चुअली हो सकती है बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की पेशी। हालांकि कोर्ट ने मुख्तार को व्यक्तिगत रूप से पेश करने का आदेश दिया है। गोरखपुर की दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी ने एक नया फरमान जारी किया है। इस फरमान में कहा गया है कि यूनिवर्सिटी के शिक्षकों और छात्रों के सोशल मीडिया पर विश्वविद्यालय के बारे में टिप्पणी करने को अनुशासनहीनता माना जाएगा। जो इस नियम को तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड से जुड़ा ताजा अपडेट भी आपके लिए जानना जरूरी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में 2 दिनों तक इसी तरह बारिश होने की भविष्यवाणी है। आईएमडी के मुताबिक सोमवार को देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़ जिलों में भारी बारिश होगी। मंगलवार को देहरादून, टिहरी, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश की आशंका है। उत्तराखंड से पहाड़ टूटने की डरा देने वाली नई तस्वीरें सामने आई हैं। तोता घाटी के पास ऋषिकेश श्रीनगर हाईवे पर पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर टूटकर गिरे। मौके पर मौजूद लोगों ने पीछे हटकर किसी तरह अपनी जान बचाई। पौड़ी जिले में उफनती बरसाती नदी की लहरों में फंसी पुलिस की वैन, जिसमें कैदी भी सवार थे। थोड़ी देर के लिए कैदियों की भी जान खतरे में पड़ गई। 2 क्रेन की मदद से वैन को बाहर निकाला गया। उत्तराखंड में पिछले 2 दिनों से जबरदस्त बारिश हो रही है। अरे आइए अब देख लेते हैं कि बिहार में कौन सी वो खबरें हैं जो सुर्खियां बटोर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार चुनाव के दौरान प्रत्याशियों के आपराधिक रिकॉर्ड मीडिया में प्रकाशित न करने के मामले में 8 पार्टियों को अवमानना का दोषी माना है। कोर्ट ने सीपीआईएम और एनसीपी पर 5-5 लाख का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने जेडीयू, आरजेडी, एलजेपी, कांग्रेस, बीजेपी और सीपीआई को भी अवमानना का दोषी माना, लेकिन इन पर 1-1 लाख का ही जुर्माना लगाया गया। विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो और बिहार के मंत्री मुकेश सहनी ने अपने आवास पर ही फूलन देवी की जयंती मनाई। इस दौरान मुकेश सहनी ने बताया कि यूपी में योगी सरकार ने फूलन देवी की मूर्ति नहीं लगाने दी है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में फूलन देवी की 50,000 प्रतिमाएं, 5 लाख लॉकेट्स और 10 लाख कैलेंडर अगले 100 दिनों में चरणबद्ध तरीके से घर घर तक पहुंचाए जाएंगे। बिहार के बक्सर में भी बाढ़ से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई है। दियारा इलाके में कई गांवों में गंगा का पानी घुस गया। सड़कों पर गाड़ियों का चलना भी मुश्किल हो गया है। भागलपुर में नेशनल हाईवे का बड़ा हिस्सा एक ट्रक के गुजरते वक्त धंस गया। गनीमत रही कि ट्रक में सवार लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हादसे की वजह से गाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई है। यही रास्ता बिहार को झारखंड से जोड़ता है।
अब महाराष्ट्र की कुछ खास खबरें। मुंबई की लाइफलाइन के लिए आज से मिलना शुरू होगा कि इन खास लोगों को लोकल पास। देखिए, मुंबई में आज से नजदीकी लोकल स्टेशन पर लोकल ट्रेन में सफर करने का मासिक पास मिलेगा। जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों खुराक लिए हुई हैं, 14 दिन पूरे हो भी चुके हैं, उन्हें अपना वैक्सीनेशन रिकॉर्ड लेकर लोकल स्टेशन पर जाना होगा, जहां से उन्हें एक QR कोड दिया जाएगा, जिसके बाद टिकट विंडो से मंथली पास बन सकेगा। जिन लोगों का पास बन जाएगा वो 4 दिन बाद यानी 15 अगस्त से लोकल में सफर कर सकेंगे। मुंबई की फिल्म सिटी में खंडाला रोड पर द गर्ल नामक एक फिल्म की शूटिंग के दौरान कल एक स्टंट सीन फिल्माने के दौरान हो गया हादसा। स्टंट के दौरान एक कार को पलटकर एक निश्चित जगह पर पलटना और घसीटते हुए रुकना था, मगर कार अपने चिन्हित स्थान पर पलटने व रुकने की बजाय आपाक होते हुए कैमरे की ट्रॉली और वहां खड़े एक टेम्पो से जा टकराई। इस घटना में कैमरा असिस्टेंट की घायल होने की खबर है। एमपी के शिवपुरी जिले में 8 दिन की लगातार बारिश ने गांव में लोगों का भारी नुकसान किया है। पोहरी क्षेत्र के कई गांव तो ऐसे हैं जहां लोगों के पास खाने को भी नहीं है। ना तो अफसरों की इनकी चिंता है और ना ही नेताओं। ऐसे ही कुछ पीड़ित शिवपुरी मुख्यालय पहुंचे और कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई। चलिए अब देख लेते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ खबरें। राहुल गांधी के कश्मीर दौरे में क्या खास रहा? 2 दिन के कश्मीर दौरे पर आए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कश्मीर की जनता को लुभाने की भरपूर कोशिश की। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने और चुनाव करवाने की मांग के साथ ही राहुल गांधी ने कहा थोड़ी कश्मीरियत उनके अंदर भी है, क्योंकि उनके पूर्वजों का घर कश्मीर में ही था। श्रीनगर में लाल चौक के पास आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड फेंका, 3 महिलाओं समेत 10 स्थानीय नागरिक घायल, 1 की हालत गंभीर। आतंकी संगठन TRF ने ली हमले की जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग में सेना ने 100 फीट की ऊंचाई पर लहराया तिरंगा। माना जा रहा है कि तिरंगा पर्यटकों में देशभक्ति की भावना तो बढ़ाएगा ही, गर्व का भी एहसास करवाएगा। ABP News आपको रखे आगे।